वन पीस वन आर्क एक मोमेंट था इसमें, जो कि शायद हिंट कर रहा है एक और पावरफुल डेविल फ्रूट यूजर की तरफ, जो कि स्ट्रॉ हैट क्रू में ही है। वो कौन सा मोमेंट है, कौन सा फ्रूट है, कौन उसका यूजर है, एंड इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए थोड़े से प्रूफ्स आपको दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। वन पीस ये वाला नहीं, ये वाला। यार मिस्ट्रीज तो बहुत सारी हैं इसमें, नो डाउट। मतलब 1100 एपिसोड्स में तो बस सेटअप हुआ है एनीमे, एंड रिसेंटली हमारे लूफी के डेविल फ्रूट की मिस्ट्री सॉल्व हुई है। उसी आर्क में एक और लड़ाई हुई थी, जोरो वर्सेस किंग। क्या लड़ाई, क्या एनिमेशन, ऐसा लग रहा था यूफो टेबल के 2-4 इंटर्न्स हायर कर लिए इन लोगों ने। खैर उस लड़ाई के बाद जोरो को एक ग्रिम रीपर दिखाई देता है, जो कि काफी हद तक ब्रूक जैसा था। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एचिरो ओडा नोज हाउ टू ड्रॉ ए स्कल। इतने सारे पायरेट फ्लैग्स में स्कल्स बनाए हैं उन्होंने, प्लस ओनिगाशिमा। मोमेंट और कैरेक्टर तो हो गया, बट फ्रूट कौन सा हो सकता है ये? ऑफ कोर्स योमी योमी नोमी, जिसकी जोन अवेकनिंग होगी एंड ब्रूक ग्रिम रीपर बनेगा। इसके प्रूफ्स क्या हो सकते हैं? देखो, एक तो सबसे पहले तो वो कैसे चीजों को जमा पा रहा है, कोई तो पावर होगी ही। एंड ग्रिम रीपर जहां भी जब भी आता है उसके आसपास हमेशा वो ठंडा वाला धुआं सा रहता है। वो अपनी सोल स्प्लिट कर रहा है, तो ये चलो ठीक है, उसकी आत्मा पहले भी भटकी रही थी, उसको उसकी बॉडी मिली तो वो आके उसमें समा गई, तो वो बाहर भी जा ही सकती है, मान लिया। लेकिन उसने जोरो की हेल्प करी थी उसके एंसेस्टर से उसकी बात करवाने में। अब ये तो कोई ऐसा ही बंदा कर सकता है जिसकी आत्माओं के साथ उठना बैठना हो। योमी योमी नोमी का मतलब रिवाइव फ्रूट की जगह अंडरवर्ल्ड फ्रूट भी तो हो सकता है, बिकॉज हेल इज ऑल्सो डाउन देयर एंड ग्रिम रीपर का लेना देना तो वहां से भी है ही। एंड हो सकता है कि इस फ्रूट की असली पावर भी ग्रिम रीपर की ही थी, इसीलिए ब्रुक जब तक जिंदा था उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं थी अपना वो साइलेंट अटैक छोड़कर। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि किसी को इस फ्रूट की पावर के बारे में पता ही ना हो, ऐसा फ्रूट जो अमर कर दे रहा है सामने वाले को, वो रिस्पॉन्ड भी कितनी ही बार हुआ होगा आज तक। तुम लोग क्या सोचते हो इस थ्योरी के बारे में वो जरूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, चैनल की बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करते जाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।